बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली कुकिंग व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पोटैटो राइस बॉल्स की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो पोटैटो राइस बॉल्स बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम बॉयल चावल डाल देंगे। ये मैंने आधी प्लेट के करीब बॉयल चावल लिए हैं। उसके बाद इसमें तीन बॉयल आलू डाल देंगे। मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको उबाल लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। तो चावल और आलू डालने के बाद इसमें दो चम्मच मैदे के डाल देंगे। तो दो चम्मच इसमें मैदा डालने के बाद हम इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें एक टेबल स्पून सूख मिर्चों का पाउडर डालेंगे। मैंने कुटी सूख मिर्ची ली हैं और आधा टी स्पून नमक डालेंगे, साथ ही आधा टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे इसमें। उसके बाद मैंने तीन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और एक प्लेट पे पानी लिया है। तो ब्रेड को हम थोड़ा गीला कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे। तो ब्रेड मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, पोटैटो राइस बॉल्स का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। तो अब इसकी बॉल्स बनाएंगे। देखें, कुछ राइस पोटैटो बॉल्स मैंने बना लिए हैं, तो बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे बॉल्स। तो बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है और इधर से हम जो बॉल्स हैं वो मैदे में डस्ट कर लेंगे। ये मैंने मैदे का कोई मिक्सचर नहीं बनाया, बल्कि ये ड्राई मैदा है, तो इसमें बस डस्ट ही करना है और इधर फ्राई पैन में डाल देंगे। ये देखें, बॉल्स मैंने फ्राई पैन में डाल दी हैं। तो फ्लेम को मैंने लो पे रखा हुआ है ताकि ये बॉल्स जल ना जाएं। तो दो मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे एक साइड से, तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, पोटैटो राइस बॉल्स सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो आप इनका कलर भी देख सकते हैं। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, पोटैटो राइस बॉल्स को मैंने डिश आउट कर लिया है और आप इनका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। और ये स्नैक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मैं इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर वीडियोस में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।